पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष जुबैर असद की अगुवाई में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता जुलूस निकालकर रस्सी से जीप खींचकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम करने की मांग की गई। युवजन सभा के जिलाध्यक्ष जुबैर असद ने कहा कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का गरीब जनता पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, जनता में भय का माहौल है। बढ़ते अपराध को देखते हुए सपा प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग करती है। आज महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज एक हमने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके हमने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने बढ़ी हुई महंगाई को लेकर, बढ़ी हुई कीमत तेल की और डीजल की कीमतों को लेकर एक प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन केंद्र और राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवतियाँ सुरक्षित नहीं हैं, छात्र छात्राओं को उत्पीड़न हो रहा है और बढ़ी हुई डीजल की कीमतें, तेल की, पेट्रोल की कीमतों के कारण रसोई पर इस तरीके का भार पड़ा है, महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ चुका है और उसके साथ साथ उन्होंने गैस की कीमत को बढ़ा दिया, जिससे पूरी तरीके से आम जनमानस बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। किसी का रोजगार नहीं चल रहा, व्यापारी परेशान है, जीएसटी से लेकर, नोटबंदी से लेकर और अब देशबंदी के बाद भी जिस तरीके से व्यापारी का कोई भी कारोबार नहीं चल रहा है। तो हमने उन्हीं मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति से मांग की है कि इन सरकारों को ध्वस्त करने के बाद, इन्हें बर्खास्त करने के बाद नया गठन होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जिससे कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, कानून व्यवस्था को सुधारा जा सके, इसलिए हमने प्रदर्शन किया। देखिए, अभी हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है और अगर ऐसा हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो आने वाले वक्त में हम और ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को अपनी मांगे मानने पर बाध्य करेंगे। आज पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर समाजवादी युवजन सभा के तत्वाधान में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया गया है, माननीय जिलाधिकारी महोदय के मुरादाबाद के माध्यम से, जिसमें पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा वृद्धि के को वापस लेने के लिए हमने मांग की है और ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 100 रुपये पेट्रोल पहुँच रहा है, 90 रुपये डीजल आ चुका है। हम मांग करते हैं सरकार से कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को वापस लें, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से दैनिक उपयोग की सभी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, लगातार महंगाई अपनी चरम सीमा पर आ चुकी है और मैं उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इस समय बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्याएं, लूट, डकैती सब चरम सीमा पर है। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। प्रशासन में आपने क्या मुख्य किया? आज हमने अंबेडकर पार्क से अपनी गाड़ी को रस्सी से खींचकर हम यहाँ पर कलेक्ट्रेट तक लेकर आए और अपने बजट की, अपनी जेब को बचाने की कोशिश करने की कोशिश की और दिखाया कि किस तरीके से नौजवान परेशान है और उसकी आर्थिक स्थिति उसकी ख़राब होती जा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है और सरकार इस तरह कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ सरकार जो है उद्योगपतियों की सांठगांठ कर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, जमाखोरी पर बढ़ा रही है। इससे हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत ऐसी सरकार को बर्खास्त करने का मांग करते हैं। सरकार को इसका फर्क पड़ेगा? सरकार को फर्क पड़ना पड़ेगा, वरना 2022 के अंदर जनता सबक सिखा देगी उसे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।